हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जो है आप काइन मास्टर में कैसे आप ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स जो है डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले बता देता हूं ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स क्या होता है। जो हमारा वीडियो होता है उसमें हम कई बार जो है उसमें एडिट करते हैं, उसमें कट लगाते हैं बीच में, एक क्लिप से दूसरे क्लिप के बीच में जो मूव होता है उसको स्मूथ बनाने के लिए हम जो है ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स डालते हैं वीडियो में। तो यहाँ पे जो है आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप ट्रांजिशन इफ़ेक्ट डाल सकते हो काइन मास्टर की मदद से। काइन मास्टर में जो है आप बहुत ही प्रोफेशनल टाइप के जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स डाल सकते हो। ये जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स होता है, सारे जितने वीडियो ऐप्स हैं, वीडियो एडिटिंग ऐप्स है, मोबाइल हो गया या डेस्कटॉप हो गया, सारे में अवेलेबल होते हैं। तो देखिए, आप जैसे देख सकते हो ये पूरा वीडियो मैंने इंपोर्ट कर लिया है एडिट के लिए, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जो है ट्रांजिशन इफेक्ट डालते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो, स्टार्टिंग में मैं कुछ यहाँ पे कट करने वाला हूँ वीडियो में, क्योंकि अननेसेसरी बहुत सारे कुछ यहाँ पे है जिसको मुझे काटना है यहाँ से। तो मुझे जो स्टार्टिंग करना है, यहाँ से मुझे स्टार्टिंग करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कट करूँगा। तो क्या करूँगा, मैं जो है ट्रिम कर सकता हूँ लेफ़्ट साइड से। तो क्या हो गया, ये पूरा इससे पीछे जितना था इससे लेफ़्ट में सारा ट्रिमिंग हो गया ये वीडियो, और यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से हो रहा है अभी, यहाँ से स्टार्ट हमने सेट कर लिया। और उसके बाद और कुछ कट हम देखते हैं, और यहाँ पे मैं कट कर लूँगा क्योंकि ये बहुत लंबा हो रहा है वीडियो। यहाँ पे मैं स्प्लिट कर लेता हूँ, यहाँ से और एक कट करूँगा यहाँ पे, और ये देख सकते हो यहाँ से। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हमने बीच वाला हिस्सा में कुछ काटा था वहाँ पे वीडियो, क्योंकि अननेसेसरी वाला हिस्सा था, लंबा हो रहा था वीडियो, तो यहाँ पे मैंने काट लिया वीडियो का कुछ जो है हिस्सा, पोर्शन जो है। और यहाँ से आप जैसे देख सकते हो कि ये एक सीन था, उसके बाद नेक्स्ट सीन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आप जैसे देख रहे हो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लिप जो स्टार्ट हो रहा है वो थोड़ा एबनॉर्मल लग रहा है और थोड़ा ऑड लग रहा है, तो इसको हमें स्मूथ बनाना है। और बीच में कुछ अगर काटना है, हमें कट करना है क्लिप, तो वो भी मैं देख लेता हूँ। वाला इफेक्ट क्लिप से जो ये वाला क्लिप में जा रहा है उसको हमें स्मूथ बनाना है, वो ट्रांजिशन को। तो क्या हम करेंगे, यहाँ पे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आपको अवेलेबल है काइन मास्टर के यहाँ। तो जैसे कि अगर आपको अगर बेसिक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट डालना है जो कि क्लासिक होते हैं, जैसे फेडिंग इफ़ेक्ट, क्रॉस फेड, जूम आउट, तो आप ऐसे देख सकते हो यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इसी टाइप का इफ़ेक्ट आएगा ये ट्रांजिशन इफ़ेक्ट। अगर आप फेड थ्रू करते हो तो ये जो कलर है वो कलर होगा, उसके बाद वो सीन आए। तो हम ये जूम आउट यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आप इसकी ड्यूरेशन, कितना टाइम ट्रांजिशन रहेगा, जल्दी होगा या धीरे धीरे वो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट जो है चलेगा, स्लो या फास्ट, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे कि अगर आप 2.5 करते हो, आप देख सकते हो बहुत ही स्लो हो रहा है। अगर आप इसको और कम करते हो, जैसे कि 0.5 अगर करते हो, तो आप देख सकते हो बहुत ही फास्ट हो रहा है ट्रांजिशन, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ, देख सकते हो बहुत ही फास्ट। यहाँ पे हमने एक कट डाला था, तो यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप के ट्रांजिशन, ये क्लासिक में फेड थ्रू, फेडिंग इफ़ेक्ट, ये टाइप के जूम आउट ये आते हैं, और दूसरे भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट है उससे आप भी चेक कर सकते हो। जैसे कि ये जो है 3D टाइप का, आप जैसे देख रहे हो ये 3D टाइप का इफ़ेक्ट यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, जो कट के बीच में जो प्लस वाला सिंबल है
उसके बाद क्या करना है, ये वाला क्रैक्ड ग्लास, अगर आप वाला ये वाला करते हो देख सकते हो इस तरह का इफेक्ट आएगा। ये 3D फ्लिप, तो ये 3D टाइप का फ्लिप होगा, कार्ड जैसे फ्लिप होता है उसी टाइप का, और ये जो है एक 3D जूम फ्लिप। ओके, इसको भी आप टाइम सेट कर सकते हो, स्लो होगा या फास्ट होगा। इसको थोड़ा 0.5 और 1 के बीच में ही मैं रखता हूँ इसको। तो इसे और एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो जो हमने दिया था इफ़ेक्ट, जो जूम आउट वाला इफ़ेक्ट था, जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्ले हो रहा है। उसके बाद और एक ट्रांजिशन इफ़ेक्ट हमने यहाँ पे दिया है 3D फ्लिप वाला इफ़ेक्ट, 3D फ्लिप वाला। तो जैसे आप देख सकते हो इसी तरह का आप ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। और भी बहुत तरीके के यहाँ पे इफ़ेक्ट अवेलेबल है। अगर आप इसको नॉन करते हो डिफ़ॉल्ट कुछ भी ट्रांजिशन इफ़ेक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। इस तरह का बहुत सारे ट्रांजिशन इफ़ेक्ट हैं, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, बहुत ईजी है। और ये इसको अप्लाई करने से एक प्रोफेशनल टाइप का फील आता है, और जो है आपके जो ट्रांजिशन होता है एक क्लिप से दूसरे क्लिप में वो बहुत ही स्मूथ बनता है। तो इसके लिए जो है ट्रांजिशन दिया जाता है इफ़ेक्ट। तो आई होप जो है आपको क्लियर हो गया होगा कैसे आपको ट्रांजिशन इफ़ेक्ट देना है। तो इस तरह का जो है ट्यूटोरियल वीडियो में जो है लाते रहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो, आप जो है इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और जो है आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ सके। और फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।